दाल गोश्त का सालन। इसके लिए आधा किलो गोश्त चाहिए, एक प्याला चने की दाल चाहिए, दो अदद प्याज, दो टमाटर, दो हरी मिर्च के थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई, कुछ गरम मसाला जाएगा, साबुत जीरा है जिसमें बड़ी लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है और इसमें पिसी हुई मिर्च और हल्दी है, दो चमचे लहसुन का पेस्ट जाएगा, पिसा हुआ धनिया है और हल्दी जाएगा, नमक, दो चमचे तेल लेंगे हम, इसमें प्याज फ्राई कर लेंगे। अब हमारी प्याज फ्राई हो रही है, फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम गरम मसाला और जीरा डालेंगे। इसके बाद हमारा गोश्त जाएगा। गोश्त को हम थोड़ा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे दो चम्मच। पिसी मिर्च और हल्दी जाएंगी दो चमची, दो चमची पिसा हुआ धनिया जाएगा, एक चमची नमक, टमाटर है, हरी मिर्ची है और बारीक कटी हुई अदरक। हम गोश्त गलने के लिए पानी डाल के इसको 1 घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। गोश्त गलने के लिए हमारा गोश्त अब गल चुका है, रोगन छोड़ दिया है गोश्त ने, अब इसमें हम दाल डाल लेंगे। हमने एक प्याला ली थी दाल, अब दाल को गलने तक पकाएंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, दाल गल जाए। अब हमारा दाल गोश्त पक के तैयार हो गया है। अगर मेरे दाल गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हम गरम मसाले और हरे धनिए से इसको गार्निश करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।